हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे स्टडी चैनल द लक्ष्य में। इस वीडियो में हम लोग 69 बीपीएससी के लिए जो रिवीजन प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया गया है इम्तिहान के तरफ से, उसका हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जो आपके होने वाले एग्ज़ाम, जिसका 30 तारीख को एग्ज़ाम है बीपीएससी का कल, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लास्ट प्रैक्टिस सेट मेरे द्वारा दिया जा रहा है और ये आज का ही मॉर्निंग का रिवीजन प्रैक्टिस सेट इम्तिहान के तरफ से प्रोवाइड किया गया है। एडिटोरिया का ब्रांच है इम्तिहान, तो प्लीज़ आप बिना स्किप की वीडियो को देख लें, क्योंकि ज़्यादा चांसेस है। आज ये लास्ट प्रोवाइड किया जा रहा है प्रैक्टिस सेट, और क्योंकि कल एग्ज़ाम ही है तो 29 तारीख का ये लास्ट रिवीजन प्रैक्टिस सेट है इम्तिहान के तरफ से। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आप इसे पूरा देख ले वीडियो को। ऑलरेडी मैंने अभी कल और परसों का दृष्टि का डाला हुआ है, दृष्टि आईएएस का, बीपीएससी का रिवीजन प्रैक्टिस सेट, एंड उसके बाद मैंने प्रम आईएएस का भी डाला हुआ है और आस्था आईएएस का भी डाला हुआ है। तो तीन चार अच्छे कोचिंग सेंटर का ऑलरेडी मैंने रिवीजन प्रैक्टिस सेट 2-3 दिन के अंदर लेटेस्ट वाला डाला हुआ है। तो प्लेलिस्ट पे जाके वो सब देख लीजिए, क्योंकि उससे ज़्यादा चांस है क्वेश्चन मैच करने का एग्ज़ाम में, तभी आपको आसानी होगी प्री एग्ज़ाम क्लियर करने में बीपीएससी का। और इस बार क्वेश्चन का भी पैटर्न थोड़ा हार्ड रहेगा, तो उस टाइप से आपको माइंड सेट करके इस बार एग्ज़ाम देना है। निगेटिव मार्किंग है 3 पे 1। तो सारा डिटेल और मैंने रिवीजन प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी डाला हुआ है अपने चैनल पे, तो दृष्टि वाला जरूर देखें, दृष्टि आईएएस और आस्था आईएएस वाला। चलिए दोस्तों, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और सपोर्ट कीजिए मुझे भी। तो चलिए, 150 क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन आपको क्विक रिवीजन दे देता हूँ, बिना स्किप के पूरा को वीडियो को देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, मानव परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, वाल्व एक सुनिश्चित करते हैं कि रक्त पीछे की ओर ना बहे। वाल्व जो होता है हार्ट का, वह सुनिश्चित करते हैं कि रक्त पीछे की ओर ना बहे। ये सही है, बाकी ये गलत है। ए बी डी गलत है। बी क्या कह रहा है, मानव हृदय में 5 कक्ष होते हैं, गलत है। ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन की कमी वाला रक्त दोनों हृदय में मिश्रित होते हैं, गलत है। रक्त केवल ऑक्सीजन का परिवहन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं। तो ए बी डी गलत है, ऑप्शन आपको सही बताना है, तो सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूरा क्विक रिवीजन कराऊंगा, 35 से 40 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन का मैं रिवीजन करवा दूंगा आपको, इसमें सॉल्यूशन बता दूंगा। तो प्लीज़ पूरा सेट को देखें, और दृष्टि आईएएस आस्था आईएएस का भी मैंने कंप्लीट प्रैक्टिस सेट, जो रिवीजन प्रैक्टिस सेट हाल ही में 2 दिन के अंदर प्रोवाइड किया गया है कोचिंग संस्थान के तरफ से, तो मैंने उसका रिवीजन आपको बता दिया है सही से सॉल्यूशन। तो वो भी जाके प्लीज़ देख ले, प्लेलिस्ट में सारा कुछ डाला हुआ है, ताकि एग्जाम में आपका ज़्यादा क्वेश्चंस मैच कर पाए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है वो। क्वेश्चन नंबर 2, एक विशेषता का चयन करें जो कि अलग अलग जानवरों की श्वसन संरचनाओं के लिए सही है। गलफड़ों वाली मछली और एल्वियोली वाला इंसान। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। दोनों में गैसीय विनिमय के लिए पतली और नम सतह होती है। इस बार 4 ऑप्शन से दिए जाएंगे, ई ऑप्शन नहीं रहेगा बीपीएससी के एग्जाम में, डी तक ही रहेगा, और 3 पे 1 निगेटिव है। श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान होता है, तो 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फेफड़ों की वायु कोष्ठिका में। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस कशेरुक समूह में हृदय ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर में विभिन्न भागों में पंप नहीं करता है। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केवल मीन राशि। क्वेश्चन नंबर 5, रंध्र की छिद्रों का खुलना और बंद होना निर्भर करता है। 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रक्षक कोशिकाओं में पानी की मात्रा पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, हिरण की छोटी आंत की लंबाई बाघ की छोटी आंत की लंबाई की तुलना में अधिक होता है, इसका कारण यह है। 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, खाए गए भोजन का प्रकार के कारण, क्योंकि एक मांसाहारी एक शाकाहारी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से जीवों के किस समूह में रक्त शरीर से गुजरने के एक चक्र के दौरान केवल एक बार हृदय में प्रभावित होता है। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शार्क, डॉगफिश और स्टिंगरे। क्वेश्चन नंबर 8, इम्तिहान का है ये, एडिटोरिया के ही ब्रांच है। एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट और इम्तिहान का प्रैक्टिस सेट लगभग सेम होता है, तो प्लीज़ पूरा आप देख लें। पौधे में परिवहन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आपका, दोनों 1 और 4 जो है दोनों गलत है। 1 क्या है, जालम में परिवहन ऊर्जा का उपयोग करके प्राप्त किया जाता है, और 4 है, जालम पानी के अलावा अमीनो एसिड और अन्य पदार्थों का भी परिवहन करता है। तो 1
और चार गलत है। सही कौन सा है? वाष्पोर्जन जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के अवशोषण में मदद करता है। प्रकाश संश्लेषण के घुलनशील उत्पादों का परिवहन फ्लोएम में होता है। क्वेश्चन नंबर नाइन है, पौधे जानवरों की तुलना में उत्सर्जन के लिए बिल्कुल अलग प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। पौधों द्वारा उत्सर्जन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता? तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वे अपनी पत्तियों के माध्यम से विषाक्त पदार्थों को चुनिंदा रूप से फिल्टर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मैं क्विक आपको सॉल्यूशन बता दूंगा ताकि आपको टाइम भी ज़्यादा ना लगे और आपके दिमाग में जल्दी से सेट कर पाए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस मैच कर सकते हैं एग्जाम में, तो आपको ऑप्शंस भी याद रहेगा तो आप टिक करके आ जाएंगे। किसी व्यक्ति में नेफ्रॉन का नलिका भाग बिल्कुल भी कार्य नहीं कर रहा, इसका मूल निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका मूल अधिक पतला होगा। जिनको इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर, वो मेरे टेलीग्राम पे जाके लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का आपको डिस्क्रिप्शन जो है लिंक मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन में या चैनल के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन वाला सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा और दृष्टि वाला भी सारा PDF, ताकि आप रिवाइज कर सकें। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, मानव उत्सर्जन तंत्र का निम्नलिखित में से कौन सा भाग तंत्रिका नियंत्रण में है? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका मूत्र मूत्राशय। क्वेश्चन नंबर 12 है, मनुष्य में फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त आता है। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बायां अलिंद। क्वेश्चन नंबर 13 है, जब एक परखनली में अम्ल के घोल को क्षार के घोल में मिलाया जाता है तो क्या होता है? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2, 1 और 4। विलयन का तापमान बढ़ जाता है और नमक का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 14, बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है? 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टाइट्रिक एसिड का। क्वेश्चन नंबर 15, दांतों के इनेमेल में कैल्शियम फॉस्फेट मौजूद होता है, इसकी प्रकृति है। 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षारीय। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड क्षार बनाने के लिए पानी में घुलनशील है? 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 3, Na2O और K2O। क्वेश्चन नंबर 17 है, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिडिक एसिड में मिलाया जाता है तो एक गैस निकलती है, इस प्रक्रिया में निकलने वाली गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका केवल 2, 1, 2 और 3, ये चूने के पानी को धुलिया कर देता है, ये जलती हुई खपच्ची को बुझा देता है और यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल में घुल जाता है। तो 1, 2, 3 सही हैं, 4 गलत है, ये तीखे गंध होते हैं, 4 गलत है। 18 नंबर, सामान्य नमक रसोई में उपयोग होने के अलावा कच्चे माल के रूप में भी उपयोग किया जाता है। 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका केवल 1 और 3, वॉशिंग सोडा में और बेकिंग सोडा में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, मिट्टी के एक नमूने को पानी में मिलाकर जमने दिया जाता है, स्पष्ट सतह पर तैरने वाला घोल pH पेपर को पीला नारंगी रंग में बदल देता है, निम्नलिखित में से कौन सा इस pH पेपर का रंग हरा नीला कर देगा? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका एक एंटासिड। क्वेश्चन नंबर 20, 20 से सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका मेजर फॉलोइंग करना है, सी है, A का 2 सिल्वर क्लोराइड का है, फोटोक्रोमेटिक ग्लास के निर्माण में, B का 3 सिल्वर आयोडाइड का है, कृत्रिम वर्षा कराने में, सिल्वर ब्रोमाइड का फोटोग्राफी में और सिल्वर नाइट्रेट का मतदान चुनाव में, सी आई, ये मेजर फॉलोइंग सही होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, फॉस्फोरस का सर्वाधिक क्रियाशील रूप है, तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका पीला फॉस्फोरस। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक छोटा बल्ब एक अभिसारी लेंस के फोकस बिंदु पर रखा गया है, जब बल्ब चालू किया जाता है तो गैस दो लेंस में उत्पन्न होता है। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश की एक समांतर किरण। क्वेश्चन नंबर 23 है, 23 कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ चार पहियों वाला वाहन। 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका अंदर की पहियों पर उल्टेगा,
और बाहर की तरह फिसलेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, पदार्थ के संवेग एवं वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहती है। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी घनत्व, डेंसिटी अपरिवर्तित रहती है। 26, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि, 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कम होता है, वहाँ 1/10 होता है। क्वेश्चन नंबर 27, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक का कार्य सिद्धांत है। 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका पास्कल का नियम। क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है, कोल्ड स्टोरेज में रखे गए फल अधिक समय तक टिकते हैं क्योंकि, 28 का सी हो जाएगा, श्वसन की दर कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 29, 29 से ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका धातु में। 30 कह रहा है, टॉर्च सर्च लाइट तथा वाहनों की हेडलाइट में बल्ब लगाया जाता है, कौन सा बल्ब यूज होता है? 30 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका परावर्तन के फोकस के बहुत करीब। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही है। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2001 से 11 के बीच। क्वेश्चन नंबर 32 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो 32 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जहां सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 33 बजट है, बजट क्या है? 33 का सी हो जाएगा, सरकार की राजकोषीय नीति। 33 हो गया, 34 कह रहा है, भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं। तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35, परिवहन संचार वाणिज्य किसके अंतर्गत आते हैं? 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय गतिविधियां। 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, आप आंसर चेक कर लीजिए आप, ठीक है? कहीं भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके सजेशन दे सकते हैं आप मुझे, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं एग्जाम से रिलेटेड वो भी लेटेस्ट रिवीजन प्रैक्टिस सेट और अपडेट देते रहता हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करें दोस्तों, और आप जम के मेहनत कीजिए। जिनका भी एग्जाम है 30 तारीख को, एक दिन ही बचा है, तो आप प्लीज़ करेंट अफेयर्स सबसे पहले रिवाइज करें, हिस्ट्री, करेंट अफेयर्स एंड साइंस, ये तीन चीज़ आप रिवाइज कर सकें जितना ज़्यादा आपको टाइम मिले। 36, देश की पहली बार विशेष अधिक आर्थिक क्षेत्र SEZ की नीति शुरू की गई थी। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका 2000 में। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा भारतीय राज्य सहतूत रेशम का प्रमुख उत्पादक है? तो 37 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्र ने भारत की आर्थिक कैबिनेट कहा था? तो 38 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका योजना आयोग। 39, भारत सरकार ने कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए किस समिति का गठन किया है? तो 39 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका नीरज कुमार गुप्त समिति। 40 से आय का वितरण मापा जाता है? तो 40 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लॉरेंस वक्र द्वारा। 41, किस पंचवर्षीय योजना के फलस्वरूप राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी? 41 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका छठी। क्वेश्चन नंबर 42, 42 से नौवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो 42 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, जनसंख्या नियंत्रण, सामाजिक और गरीबी में कमी। क्वेश्चन नंबर 43 केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग कितने करोड़ लाभार्थियों के एक वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न मिलेगा? 43 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका 81.4 करोड़। करेंट से क्वेश्चन से आपको देखना है, करेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिहार से रिलेटेड एंड ऑल ओवर जो भी डाटा है आपका, सर्वेक्षण क्या बजट है, कितना बजट में किस भाग को कितना दिया गया है, ये सब आपको देखना जरूरी है। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में सरकार का पूंजीगत व्यय कितने प्रतिशत बढ़ा है? 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका 63.4%। 45 से केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत का ई कॉमर्स बाजार 2025 तक कितने प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ने की उम्मीद है? 45 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका 18%। ध्यान से सुनना है आपको, निम्नलिखित में से किसने सबसे
पहले भारत के लिए संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था? 46 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका 1934 में स्वराज पार्टी। 47 है, डैश के पास भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति है। 47 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका संसद। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार कब निलंबित किए जा सकते हैं? तो 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जब राष्ट्रीय आपात घोषित किया हो। क्वेश्चन नंबर 49 कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को भारत के संविधान में शामिल किया गया। 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। 49 हो गया। उसके बाद 50 कह रहा है भारत में अब तक संविधान के अनुच्छेद 352 का कितनी बार उपयोग किया गया है? तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका 3 बार। क्वेश्चन नंबर 51 है लोकसभा के अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 84। क्वेश्चन नंबर 52 संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज सकता है? तो 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका अनुच्छेद 200। क्वेश्चन नंबर 53 है राज्य विधानसभा के दो सत्रों के बीच अधिकतम अनुमेय अवधि का अंतर है? तो 53 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका 6 महीने। क्वेश्चन नंबर 54 इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस मुद्दे से संबंधित है? 54 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए OBC के लिए आरक्षण। क्वेश्चन नंबर 55 है शहरी स्थानीय सरकार का विषय निम्नलिखित में किस मंत्रालय से संबंधित है? तो 55 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी है केवल 1, 2, 3 शहरी विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, छावनी बोर्ड के मामले और गृह मंत्रालय। ठीक है 1, 2, 3 सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 56 है कौन सी रेखा भारत और चीन की उत्तरी पूर्वी सीमा का सीमांकन करती है? तो 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैकमोहन रेखा। क्वेश्चन नंबर 57 इम्तिहान जो है एडिटोरिया कहीं ब्रांच है, तो आप ये मत समझिएगा कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट। इम्तिहान भी एक अच्छी कोचिंग संस्थान है, एडिटोरिया का ब्रांच है। तो आपको पूरा आपका जो है ये है 150 का क्वेश्चन पूरा आप देख लीजिए, स्किप नहीं कीजिए वीडियो को। आप प्लीज़ लाइक करके सपोर्ट कीजिए गाइज और दोस्तों, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस सेट सारे एग्जाम से रिलेटेड मैं अपडेट देते रहता हूँ, वो भी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। 57 है निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? 57 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका लद्दाख पठार। क्वेश्चन नंबर 58 मैच द फ्लोइंग है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। गारो खासी जांतिया कहाँ है? ये मेघालय में होगा। 58 है, 58 का ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा ए नंबर। ए का 1, बी का 3 है मिरी है अरुणाचल प्रदेश में, सी का 2 है कोल्लई मलाई है तमिलनाडु और दलमा है झारखंड में। 59 है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल स्थान है? 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका नीलगिरी पहाड़िया। क्वेश्चन नंबर 60 का कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के बीच जल विभाजन का कार्य करती है? तो 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका कैमूर। क्वेश्चन नंबर 61 है भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है? 61 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका ले। 62 निम्नलिखित में से किस प्रकार के मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? 62 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका जरूर रेतीली मिट्टी। 62 है सिक्किम की सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ नहीं लगती है? 63 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 64 सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए है खनन क्षेत्र दिया गया और खनिज संपदा है। तो 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका। सी क्या है? 1 का 3 है, ए का 3 है यानी काला हांडी का बॉक्साइड। उसके बाद बी का 4 है ज्वार का जस्ता एवं सीसा। 3 का सी है कोलार का सोना और मोसाबनी का तांबा। ये सही मैच द फॉलोइंग आप चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है नीली क्रांति का संबंध है 65 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर नीली क्रांति संबंधित है मछली उत्पादन से। 66 है
निम्नलिखित में से कौन सा पेपर मिल स्थान और उसके संबंधित राज्य सही ढंग से सम्मिलित नहीं है? तो गलत बताना है। 66 में कौन सा गलत है? ए नंबर अलमाई छत्तीसगढ़ में नहीं है, बाला बल्लारपुर महाराष्ट्र में है, ब्रजराज नगर उड़ीसा और राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, ये बी सी डी सही है। 67 भूकंप से पहले वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस बढ़ जाती है? तो 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेडॉन। 68 निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो 68 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 69 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत रहा है? 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका 25.42%। 70 है निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान और उसके संबंधित देश सम्मिलित नहीं है? तो 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका गिब्सन, ब्राज़ील में नहीं है, सोनोरन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूए में है, टकला मकान है चीन में और कराकुम है तुर्कमेनिस्तान में। ए बी सी सही है और डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 71 है बिहार की निम्नलिखित ताप विद्युत परियोजनाओं का पूर्व से पश्चिम तक कौन सा क्रम सही है? 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका कहलगांव, फिर बरौनी, फिर कांटी, फिर नवीन नगर। आपको पूर्वी से पश्चिम में सही क्रम में बताना था। क्वेश्चन नंबर 72 बिहार के निम्नलिखित प्रशासनिक प्रभागों में से किसमें जिलों की संख्या सबसे कम है? तो 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भागलपुर में। क्वेश्चन नंबर 73 निम्नलिखित में से कौन बिहार की रेशे वाली फसल नहीं है? तो 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ये तंबाकू। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है बागमती किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो 74 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बूढ़ी गंडक का। 75 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम दर्ज किया गया? तो 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समस्तीपुर में। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है नचिकेता और यम के बीच प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख है? 76 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका कठोपनिषद। क्वेश्चन नंबर 77 है निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है? 77 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका मास्की। क्वेश्चन नंबर 78 है भारत में पहली बार सैन्य गर्व गवर्नरशिप की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका यूनानी। क्वेश्चन नंबर 79 सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था? तो 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका नंद। 80 निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थानों पर विचार करें उपयुक्त में से कौन सा स्थल भित्ति चित्रकला के लिए भी माना जाता है? ये तीन ऑप्शन में से कौन भित्ति चित्रकला के लिए माना जाता है? तो 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका केवल एक दो यानी अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर। 81 है अध अष्ट प्रधान नामक मंत्री परिषद थी? 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका विजयनगर प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ मूव करते हैं मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में अपने चरम पर पहुंची? 82 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका जहांगीर। उसके बाद चलते हैं 83 की तरफ। 83 क्या कह रहा है? 83 है दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों का सबसे बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो 83 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 84 है राजा अपनी प्रजा से मुक्त हो गए और वे अपने राजा से बदायुद्दीन ने किसकी मृत्यु पर इस प्रकार की टिप्पणी की थी? 84 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका मोहम्मद बिन तुगलक। 85 है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित है? तो 85 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका दीवाने बनगानी फिरोज तुगलक और बाकी ये बी और सी और डी गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित है, सही बताना है। तो 86 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी बनाम ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 87 भारतीय शिक्षा के निम्नलिखित ऐतिहासिक चरणों पर ध्यान दें। इन ऐतिहासिक चरणों का सटीक कार्यक्रम इस प्रकार है, मतलब सही जो पहले हुआ है उसको पहले बताना है कौन सा है सीरीज सही है सबसे पहले और सबसे लास्ट में क्या हुआ था। तो 87 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
पहले हुआ था हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना, उसके बाद एडम रिपोर्ट आया था, फिर चार में वुड डिस्पैच एंड लास्ट में हुआ था कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना। ये सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है बम्बई क्रॉनिकल अखबार किसने शुरुआत या प्रकाशित किया था। तो 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, फिरोज शाह मेहता ने। क्वेश्चन नंबर 89 मैच द फॉलोइंग है, सूची वन को सूची दो से सही सम्मिलित करना है। 89 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। ए का वन मोपला विद्रोह केरला में हुआ था, पावना विद्रोह हुआ था बंगाल में, एक का आंदोलन हुआ था अवध में और बिरसा मुंडा आंदोलन बिहार में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 90 है ब्रिटिश शासनकाल में भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, कारण क्या था। 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उद्योगों की कमी। क्वेश्चन नंबर 91 91 कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। 91 का इस घटनाओं का सही कालक्रम मतलब पहले कौन हुआ था और लास्ट में कौन सा हुआ था। 91 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, पहले संथाल विद्रोह, उसके बाद सिपाही विद्रोह, फिर उसके बाद हुआ था नील विद्रोह और लास्ट में डक्कन दंगे। क्वेश्चन नंबर 92 है निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक ढंग से दूतावास स्थापित किए थे। तो 92 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाह आलम द्वितीय ने। निम्नलिखित में किस भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक ढंग से दूतावास स्थापित किए थे। तो 92 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी 92 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 92 टीपू सुल्तान होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। 93 है निम्नलिखित में से कौन भगवान गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला अंग्रेज था। तो 93 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, चार्ल्स विकिल्सन। 94 है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह में प्रभावित नहीं हुआ था। तो 84 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, चित्तौड़। क्वेश्चन नंबर 95 निम्नलिखित में से किसने वर्णकुला प्रेस अधिनियम को निरस्त किया था। तो 95 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 96 है सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लॉर्ड कैनिंग। 97 निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया। 97 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। 98 है निम्नलिखित में से किस प्रांत के शासक को कुषाण के बहाने अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था, कुशासन के बहाने। तो 98 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवध को। 98 का ए हो जाएगा अवध। क्वेश्चन नंबर 99 है निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह पुस्तक लिखी। 99 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 100 निम्नलिखित में से किसने डेविड हियर और अलेक्जेंडर डफ के साथ कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। तो 100 का डी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। ये रहा 100 और अभी 50 क्वेश्चन बाकी है, लेकिन यहाँ तक मैं बता दूंगा जितने भी आपने अभी तक क्वेश्चन चेकआउट किए होंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं या रिलेट कर सकते हैं, तो आपको ध्यान से सुनना है। पूरा वीडियो आप देख ले, दृष्टि आईएएस, परम आईएएस और आस्था आईएएस का लेटेस्ट 2-3 दिन के अंदर जो भी रिवीजन प्रैक्टिस सेट कोचिंग की तरफ से दिया गया है उसका भी मैंने डिस्कशन डाला हुआ है सही आंसर के साथ। तो प्लीज़ जाकर वो वीडियो को देख ले और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो गया, फॉर्म फिलअप, डॉक्यूमेंट्स, डिटेल या प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चंस, हर चीज़ में डेली डालते रहता हूँ, अपडेट करते रहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। तो जितने भी स्टूडेंट हैं चाहे वो कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें और दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। चलते हैं 101 क्वेश्चन की तरफ। 101 क्वेश्चन है रैयतवाड़े बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 101 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, 1, 2, 3 सही है, मतलब तीनों स्टेटमेंट सही है। लगान का भुगतान किसानों द्वारा सीधे सरकार को किया जाता था, सरकार रैयत को पट्टा देती थी और कर लगाने से पहले भूमि का सर्वेक्षण और मूल्यांकन किया जाता था। 101 का तीनों स्टेटमेंट सही है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 102 है मोटंगी चेल्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था। तो 102 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, संवैधानिक सुधार, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 103 है निम्नलिखित जोड़ियों का पर विचार करना है, इनमें से बताना है कौन जोड़ी सम्मिलित है। तो 103 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, 1, 2 और 3। एक क्या है,
तीनों सही है, ठीक है। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, महात्मा गांधी, अखिल भारतीय किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा, स्वाभिमान आंदोलन, ईवी रामा स्वामी नायर, तीनों सही हैं। ए 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 104, 104 कह रहा है महात्मा गांधी ने 1926 में एक वर्ष पूर्ण मौन रखा था, 1926 में एक वर्ष मौन रखा था कहाँ पे। 104 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिजन कल्याण के काम के लिए काम करें। 104 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका। क्वेश्चन नंबर 105, 105 कह रहा है होम रूल सोसाइटी जिसे लोकप्रिय रूप से इंडिया हाउस कहा जाता है की स्थापना भारतीय स्वतंत्रता के उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए लंदन में की गई थी। तो 105 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, श्यामजी कृष्ण वर्मा। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से किस स्थान में एक सांस्कृतिक शिलालेख मिला है जिसमें फिरोज शाह तुगलक को धर्म का रक्षक बताया गया है। तो 106 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, राजगीर में जैन मंदिर। क्वेश्चन नंबर 107, चंपारण आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी अपने मोतिहारी कार्यालय का कार्यभार किससे सौंपकर लौट गए थे। तो 107 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, जनकधारी प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नेता मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्यों में से एक था। तो 108 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका, ख्वाजा सलीमुल्लाह। क्वेश्चन नंबर 109 है बिहार के किस जिले में नखा स्पीडर नामक स्थान है जो स्वर्गीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध था। तो 109 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, पटना। क्वेश्चन नंबर 110, 1918 में कांग्रेस में दूसरा विभाजन किस आधार पर हुआ। 110 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा। 111 कह रहा है किस राज्य में मोघरा योजना शुरू की गई। 111 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, उड़ीसा। 112, एससीओ राष्ट्र प्रमुख शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है। तो 112 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। क्वेश्चन नंबर 113, अटल भूजल मिशन को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। 113 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आपका, 2 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 114, किस राज्य की हॉकी टीम ने 13वीं हॉकी इंडिया सन जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती है। तो 114 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश ने। क्वेश्चन नंबर 115 है BPCL ने उत्सर्जन को कम करने के लिए डीजल इथेनॉल मिश्रण विकसित करने के लिए किस वर्ष तक अपने शुद्ध शून्य लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। 115 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 2040। 116 है 23 राज्यों में किस राज्य में औसत रक्त सीसा स्तर BLL 10.42 माइक्रोग्राम प्रति डेसीलीटर GDL सबसे अधिक है। तो 116 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिहार। क्वेश्चन नंबर 117, बिहार के पहले वंदे भारत एक्सप्रेस यानी पटना रांची वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी कब दिखाई गई थी। तो 117 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 27 जून 2023। 118 है मकाओ चीन में आयोजित 11वीं एशियाई जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2023 में बिहार के राहुल कुमार किस स्थान पर है। 118 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका, द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 119 है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM का पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। 119 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैथिली ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 120 कह रहा है बिहार में कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया। 120 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, 3। क्वेश्चन नंबर 121, L20 लेवर 20 शिखर सम्मेलन पटना बिहार में आयोजित किया गया है। तो 121 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 से 23 जून 2023 तक। 122 है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा NH319B नामक आगामी 6 लेन ग्रीन फील्ड वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेस बिहार के कितने जिलों को छुएगा। 122 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। क्वेश्चन नंबर 127 है फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया। 127 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, लीजन ऑफ ऑनर का ग्रेड कॉर्स। क्वेश्चन नंबर 124,
2023 वैश्विक शांति सूचकांक GPI में भारत की रैंकिंग क्या? 124 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका 126वां। 125 है, जुलाई 2023 में किस देश ने भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय बाजार सम्मेलन की मेजबानी की? 125 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, केनिया। क्वेश्चन नंबर 126, जुलाई 2023 में भारत के चुनाव आयोग ने चुनावी न्यायाधिकरण के साथ चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए? 126 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पनामा। क्वेश्चन नंबर 127, तटीय विनियम क्षेत्र CRZ मंजूरी की वैधता बढ़ा दी गई है? 126 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका, 7 वर्ष से 10 वर्ष तक। 128, हाल ही में पुरातत्वविदों ने एक क्रिस्टल क्वार्ज वजन इकाई का पता लगाया है, तो 128 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, किलांडी। 129 है, PR 126 एक किस्म है? 129 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये धान की एक किस्म है। क्वेश्चन नंबर 130, वैज्ञानिक ने जैसलमेर में 167 मिलियन वर्ष पुराने पौधे खाने वाले डाइकोसोराइडा डायनासोरस के जीवाश्म अवशेष की खोज की है, जिससे नाम दिया गया? 130 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, थारोसोरस इंडिकस। क्वेश्चन नंबर 131, पद्म पुरस्कार 2023 के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? गलत बताना। 131 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुश्री सुधा मूर्ति, पद्म विभूषण इनको नहीं मिला था, बालकृष्ण दोषी को मिला है, दिलीप महानविस को मिला है पद्म विभूषण, और जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। 132 से, किस देश में भारत की भागीदारी से द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2023 से 26 जनवरी को संपन्न हुआ? 132 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जापान। क्वेश्चन नंबर 133, किस शहर ने 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 के मेजबानी की? 133 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद। 134, किस राज्य का शाख सागर रामसर स्थल एक आकर्षण या आक्रामक जलीय पौधे की मोटी परत के नीचे लगभग गायब हो गया है? 134 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। 135 कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2023 समर्पित था? 135 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अफगान लड़कियों और महिलाओं के लिए। 136 है, इंडो एशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड ने AK-203 कलाश्रीकोव असोल्ट राइफल का उत्पादन कहाँ शुरू किया है? 136 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोरबा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 137, समुद्रयान मिशन के तहत गहरे समुद्र के संशोधनों की खोज के लिए किस वाहन को 6000 मीटर की गहराई तक 3 व्यक्तियों को ले जाने के लिए डिजाइन किया जा रहा है? 137 का सी हो जाएगा, मत्स्य 6000। क्वेश्चन नंबर 138 है, RR फिल्म ने किस श्रेणी में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 जीता है? 138 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सर्वश्रेष्ठ मूल गीत। 139 है, भारत ने किस देश में संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैनात की है? 139 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका, सूडान। क्वेश्चन नंबर 140, सियाचिन में ऑपरेशन रूप में से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो 140 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिव चौहान। तो ये रहा 1 से 140 तक का GK GS करेंट अफेयर्स का क्वेश्चंस का आंसर्स दोस्तों, तो प्लीज़ आप इसे पूरा देख ले। ऑलरेडी मैंने दृष्टि आस्था और परम IAS का रिवीजन प्रैक्टिस से डाला हुआ है BPSC के लिए, तो वो भी आप रिवाइज कर ले ताकि आप को एग्ज़ाम क्रैक करने में आपको आसानी हो, क्वेश्चंस मैच करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं रिवीजन प्रैक्टिस सेट में, क्योंकि ये अच्छे कोचिंग संस्थान के द्वारा प्रोवाइड किया गया लेटेस्ट प्रैक्टिस सेट है। अब 10 क्वेश्चन मैथ के रह गए हैं, मैं आंसर बता देता हूँ, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को आप लाइक कीजिए, और कोई भी सजेशन देना हो, कहीं गलती होगा या कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके या वीडियो के डिस्क्रिप्शन जहाँ डिटेल डाला हुआ होता है वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक रहेगा, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप मैसेज कीजिए, जिसका भी PDF चाहिए या दृष्टि का या इम्तिहान का या परम IAS का
पीडीएफ सेट का पीडीएफ चाहिए आपको एक्सप्लेनेशन के साथ, तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, मैं आंसर बता देता हूँ मैथ का, आप सॉल्व करके मैच कर लेना। 141 है ए नंबर, 142 क्वेश्चन देख लीजिए आप, सॉल्व करके आंसर मैच कर लीजिएगा, इसलिए मैं आंसर बता दे रहा हूँ। 142 का भी वन होगा, ए हो जाएगा। 143 का सी है, 180, 144 का डी, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। उसके बाद 145 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, 146 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, 147 का भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका। उसके बाद 148 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 149 का ऑप्शन नंबर बी है, और 150 का लास्ट क्वेश्चन का आंसर है मैथ का बी, 5 सेंटीमीटर। तो ये रहा कंप्लीट सॉल्यूशन, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा आप देख लें, अदर भी जो प्रैक्टिस सेट डाला है बीपीएससी के लिए वो भी आप चेकआउट करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। जय हिंद जय भारत। और जिनका भी बीपीएससी का एग्जाम है, बीपीएससी स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक। और ओएमआर सीट में क्या गलती नहीं करना है इस बार, ठीक है, ओएमआर सीट में क्या गलती करना है उसका भी डिटेल मैंने वीडियो डाला हुआ है अपने चैनल पर, क्योंकि इस बार पैटर्न चेंज किया गया है, तो उससे भी संबंधित ओएमआर कैसे आपको फिलअप करना है, क्या गलती नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट नए होंगे, कभी कभी जान के भी या गलती से मिस्टेक हो जाता है, तो वो वीडियो भी मैंने डाला हुआ है ओएमआर सीट में क्या बदलाव किया गया है इस बार, और क्या गलती नहीं करना है, उस वीडियो को भी आप देख लें, क्योंकि कल ही एग्ज़ाम है, अब टाइम बचा नहीं है, रात भर का जो आज दिन का और रात भर का जो टाइम है, और कल एग्ज़ाम है। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।